बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.19 ऑफ एक्सरसाइज 3। देखिए स्टूडेंट, जितने भी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 3.16 एंड 3.19 ये वाला जो हम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अक्सर पेपर में यही आ रहे होते हैं, ये नंबर ऑफ केबल्स वाला और लोड्स वाला, मैक्सिमम लोड्स वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसने जो हमें दिए ये क्लासेस में डेटा है, 9.3 स्टार्ट हो रहा है और 13.2 तक ये डेटा जा रहा है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ केबल्स साथ ही दिए गई हैं, ये हमारे पास कॉलम है फ्रीक्वेंसी का जिसे स्मॉल एफ से आपने डिनोट करना है, कभी भी कैपिटल एफ नहीं लगाना, ये स्मॉल एफ है मतलब फ्रीक्वेंसी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं या स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ कैपिटल एफ नहीं लगाना। ठीक है, स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी डिनोट की जाती है। अब यहाँ कहते हैं कि आपने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी एंड मोड भी फाइंड करना है। तो मीन पहले फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है हमें चाहिए, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ मीन। ठीक है, मीन के लिए नंबर वन मीन फाइंड करना है हमने, मीन के लिए फाइंड करेंगे एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ देखें इस वाली क्लास से हमने एक्स निकालना है सबसे पहले तो यहाँ से। ठीक है, एक्स किस तरह से निकलेगा इस वाले डेटा से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइड बाय 2। 9.3 को 9.7 में प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 पर, तो हमारे पास फर्स्ट लिमिट आ जाएगी ऑफ एक्स। ये इस तरह से हम करेंगे, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, यहाँ पर 9.3 प्लस 9.7 प्लस कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करना आपने डायरेक्ट, फिर डिवाइड बाय 2 प्रेस करके एंटर करते हैं तो ये आ रहा है 9.5। ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स है 9.5। इसी तरह 9.8 प्लस 10.2 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद आंसर को 2 पे डिवाइड कर देगा, 2 प्रेस करेंगे एंड प्रेस एंटर, ये हमारे पास आ रहा है 10। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आपने सारे बाकी लिख लेने हैं और ये डेटा की तरतीब के साथ है जिसमें हमारे पास इंटरवल साइज जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, मतलब 9.8 में से 9.7 निकालें तो आपके पास 0.1 आता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास सारा डेटा जो है वो तरतीब में आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं 10.5 आ जाएगा, 10.3 प्लस 10.7 एंटर करते हैं, ऐड करते हैं, फिर डिवाइड बाई 2 तो ये आ रहा है 10.5। इसी तरह नेक्स्ट वाली करते हैं 10.8 प्लस 11.2 डिवाइड करेंगे 2 पर तो ये आ रहा है 11। ठीक है स्टूडेंट, ये 11 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह नेक्स्ट सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 11.5 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 12.5। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि डेटा हमारे पास एक तरतीब के साथ दिया गया है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स आ गया, हमने फाइंड करना है मीन। मीन का जो ये वाला फार्मूला ये अनग्रुप डेटा के लिए होता है, क्योंकि यहाँ ग्रुप डेटा है तो इसको कन्वर्ट करते हैं, जहाँ सिग्मा लगाओ वहाँ एफ लगा देते हैं और एन की जगह हम लगाते हैं सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया ग्रुप डेटा का फार्मूला। अब यहाँ ये कॉलम हमने कैलकुलेट करना है जिसके साथ सिग्मा लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ ये कॉलम हमने बनाना है एफ एक्स का, एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, मैं लिख देता हूँ एफ एक्स, तो ये हमारे पास बनेगा एफ वाले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करते, ये सारा कॉलम हमारे पास बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 9.5 तो ये आ रहा हमारे पास 19। इसी 10.5 था, 50 होता है आपको पता है, जो आपको पता हो वैल्यूज का वो आप ज़बानी लिखते जाएँ, 12 मल्टीप्लाई बाई 10.5 तो ये आ रहा हमारे पास 126। और इसी तरह नेक्स्ट 17 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये आ रहा है हमारे पास 187।
इसी तरह 14 मल्टीप्लाई बाई 11.5 तो ये आ रहा है 161। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों के पास भी इसी तरह आ रहा होगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये आ रहा है हमारे पास 72। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5 तो ये आ रहा है हमारे पास 37.5। और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एफ एक्स कॉलम, हमने इसको ऐड करना है क्योंकि एक्स वाले कॉलम का हमें सम तो चाहिए ही नहीं। इसके नीचे हम लगा देंगे इस तरह डॉट या लाइन लगा दें, सीधी डैशेस वाली नीचे लगा दें सिग्मा। ये समेशन जो है ये कंबाइन होगी मतलब सारे कॉलम्स की। अब यहाँ एफ वाला कॉलम भी हमने ऐड करना है, इसको ऐड करके देख लेते हैं। 2 + 5 + 12 + 17 + 14 + 6 + 3 + 1 तो ये आ रहा है हमारे पास 60। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों के पास भी 60 आ रहा होगा। अब इस वाले कॉलम को भी ऐड करना है एफ एक्स वाले को, तो ये किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 19 + 50 + 126 + 161 + 72 + 37.5 + आ जाएगा हमारे पास 13। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ 13 एंटर करते हैं, जो ये आ रहा है हमारे पास 665.5। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा 665.5। तो यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं एक्स बार, एक्स बार होगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना आया 665.5 डिवाइड बाय सिग्मा एफ जो कि 60 है हमारे पास। यहाँ लिख लेंगे एक्स बार की वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास। ये जो आंसर आया हुआ है आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने डायरेक्ट डिवाइड वाला बटन प्रेस कर देना तो ये आंसर को डिवाइड कर देगा। यहाँ 60 प्रेस करें फिर एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 11.09 तक ही लगा रहे हैं, ये 2 डिजिट तक फिक्स है। ठीक है, आप कैलकुलेटर को फिक्स करना उम्मीद है सीख ही चुके होंगे। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट, ये मीन आ चुका है हमारे पास 11.09। अब इसी तरह हमने मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी। मीडियन एंड मोड फाइंड करने के लिए हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो चाहिए हमें सी बी मतलब क्लास बाउंड्री, सी और बी आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, पूरा लिखना चाहिए क्लास बाउंड्री तो भी आपकी मर्ज़ी है, इससे कम जगह ये कवर होगी, कम जगह कवर होगी। यहाँ पर ये आपने किस तरह से बनानी है ये मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन में आपको बता नहीं सका क्योंकि वहाँ फाइंड ही नहीं करनी थी। यहाँ जो हमारे पास क्लासेस होती हैं एंड क्लासेस और नेक्स्ट फर्स्ट क्लास जो होती है इस तरह, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना होता है, बेशक यहाँ से निकालें या यहाँ से बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ अगर सेम ना आ रहा हो तो वो आपका डिस्क्रीट डेटा होगा, वो नेक्स्ट उसके बारे में एक दो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। ये इस तरह आपने क्लासेस देख लेनी है। ठीक है, ये तीर मैं वैसे लगा रहा हूँ आपने नहीं लगाने। 9.8 में से 9.7 माइनस करेंगे ये 0.1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप 10.8 में से 10.7 माइनस करेंगे तो भी आपके पास 0.1 आएगा। अब आ गया ये हमारे पास इंटरवल साइज, आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है 2 पर डिवाइड बाय 2 तो ये आ रहा है हमारे पास 0.05। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना आ रहा है हमारे पास ऊपर लिख लिया करें 0.05। अब यहाँ इसको हमने क्लास बाउंड्री बनाते हुए लोअर लिमिट, हमारे पास क्लासेस में डेटा जब होता है तो हमारे पास दो लिमिट्स होती हैं, एक अपर, इसे अपर कहते हैं ये ज़्यादा वाली, और ये लोअर। ठीक है, लोअर लिमिट में से इसे माइनस कर देना है, अपर लिमिट में से प्लस कर देना है। अभी मैं आपको प्लस करके और माइनस करके भी दिखाता हूँ। लोअर लिमिट हमारे पास पहली जो है वो है 9.3, इसमें से माइनस करता हूँ 0.05। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 9.25। इसी तरह अपर लिमिट में प्लस करना है मतलब 9.7 में प्लस 0.05 करना है,
तो आपके पास आ रहा 0.975। इसी तरह नेक्स्ट लिमिट जो होगी 9.8, इसमें से माइनस करेंगे। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, -0.05, तो यह आ रहा है हमारे पास 9.75। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब आपने क्रॉस बाउंड्री बनानी है तो आपके पास अपर लिमिट के बाद जो लिमिट आएगी वो बिल्कुल पीछे वाली की सेम होगी। जिस तरह यहाँ 0.975 आया, यहाँ पर भी 0.975 आएगा, ठीक है, 9.75 लगाना था। अब यहाँ नेक्स्ट वाली देखते हैं, ये 10.2 है, ठीक है, इसमें 0.05 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.25। ठीक है, अभी मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, 0.2 + 0.05, तो यह आ रहा है हमारे पास 10.25। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट आपने ऐसे ही लिख देनी है 10.25, क्योंकि हमेशा यही आएगी। आप 10.3 में से 0.05 माइनस करके भी देख लें, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ, -0.05, तो यह आ रही है आपके पास 10.25, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वाली फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। 10.7 में से में जब आप 0.05 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगी 10.75। अब आपको पता चल गया होगा कि लोअर लिमिट में से प्लस करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में से प्लस करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 10.75 डायरेक्ट, इसी तरह बिल्कुल सेम लिख देनी है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 11.2, तो ये 11.25 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी 11.25, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास, ये इसको देखकर 11.7 है, 11.75 आ जाएगा, 11.75, यही बिल्कुल ऐसी मैंने लिख दी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगी 12.25। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट हमने 12.25 ऐसे लिख देनी है, और ये आ जाएगी 12.7 है, 12.75 बन जाएगी। इसी तरह 12.75, इसी तरह मैंने लिख दी ये वाली। नेक्स्ट इसमें 13.2 में जब 0.05 प्लस करेंगे तो बस 13.25 आ जाएगा। उम्मीद है मैंने आपके सामने सारी सी बी क्रॉस बाउंड्री यानी कि बनाई है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने बनानी है सी एफ क्रॉस फ्रीक्वेंसी, सी एफ लिखने, ठीक है, सिंपली ये किस तरह से बनाएंगे, ये भी ये उम्मीद है आपने सीख लिया होगा पिछले क्वेश्चन। अगर कर रहे हैं आप, पहली फ्रीक्वेंसी वैसी लिख देनी, पहली है हमारे पास 2, ठीक है, नेक्स्ट है 5, 2 में 5 प्लस कर देना। आपने पेपर में इस तरह नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट 7 लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 में 12 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 में 17 प्लस करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ रहा 36 लगा देंगे यहाँ पर। और इसी तरह प्लस 14 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। इसी तरह डायरेक्ट नेक्स्ट प्लस प्रेस कर देनी आपने, नेक्स्ट करना आपने 6 तो ये आ रहा है हमारे पास 56। फिर 3 प्रेस करना है, 59 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 प्लस करना है तो ये 60। एक बात याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ जो एंड वाली क्लास फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास वो सिग्मा एफ के इक्वल होगी, ये देख लें इसके इक्वल है, ठीक है, 60 के। अब यहाँ हमने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप किस तरह से फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, वो फाइंड करते हैं एन को 2 पे डिवाइड करके। यहाँ एन से मुराद सिग्मा एफ है, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। सिग्मा एफ कितना हमारे पास, 60 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 30। ठीक है स्टूडेंट, अब 30 आपने देखना यहाँ सी एफ में, क्रॉस बाउंड्री में 30 कहाँ आ रहा है, ये 36 है, ये 19 है। ठीक है, 19 हम कम तो कर नहीं सकते, अलबत्ता इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है। अगर डायरेक्ट यहाँ 30 होता तो 30 ही हमने मीडियन ग्रुप बना लेना था। मीडियन ग्रुप बन गया, अब हमारे पास 19 एंड 36 में से जो हमें प्रॉपर लगी वो 36 थी। किस तरह से प्रॉपर लगी, क्योंकि 30 लाई कर रहे हैं इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन, तो बड़ी वाली हमारे पास मीडियन ग्रुप होता है।
इसको आपने इस तरह से शेड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख भी दें ताकि एग्जामिनर को चेक करते पता भी चल जाए। मीडियन MED एंड ग्रुप लिख दें यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप लफ्ज लिख देना। मीडियन ग्रुप बन गया। अब मीडियन ग्रुप में लोअर क्लास बाउंड्री हमें चाहिए और अपर क्लास बाउंड्री। ये मीडियन ग्रुप तो चलो बन गया। ठीक है, अब मैं फार्मूला से आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। ये देखें, मीडियन लिखेंगे यहाँ पर। मीडियन का फार्मूला इस तरह से लिखते हैं। ये है हमारे पास मीडियन का फार्मूला। ये होगा हमारे पास L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। C बड़े वाला लगा दें। अब L हमारे पास होगी लोअर क्लास बाउंड्री, जो हमने CB वाला बनाया है उसमें मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री होगी। H हमारे पास इंटरवल साइज ऑफ CB होगा, क्लास बाउंड्री का साइज, और जो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो F होगी। N ओवर 2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि 30 है हमारे पास, और माइनस सी। सी अब कौन सी वैल्यू है आपको बता देता हूँ मैं। सी है हमारे पास ये वाली वैल्यू स्टूडेंट, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास सी वैल्यू। ये कौन सी? मीडियन ग्रुप से बिल्कुल पहले वाली वैल्यू सी होती है। अब यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है? 10.75 है। ठीक है, 10.75, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 17 मीडियन ग्रुप की। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं। और इंटरवल साइज वो किस तरह से फाइंड करना है? मीडियन ग्रुप का इंटरवल साइज 11.25 में से 10.75 माइनस कर देंगे तो आपके पास इंटरवल साइज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाता हूँ मैं। लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास आई थी 10.75। ठीक है स्टूडेंट्स, 10.75 थी प्लस H। एच हमने कहा था किस तरह फाइंड करना है? ये जो आई है हमारे पास 11.25, इस क्लास बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। ये क्लास बाउंड्री ऑफ हमारे पास मीडियन ग्रुप की 25 में से 10.75 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरवल साइज H। ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट, ये देखिए 11.25 माइनस 10.75, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.5। इंटरवल साइज आ गया हमारे पास 0.5 डिवाइड बाय F। F हमारे पास 17 है इंटू N ओवर 2। N ओवर 2 कितना आया था? वो था हमारे पास 30, जिसके लिए हमने ग्रुप बनाया था। माइनस C। C की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 19 आई है, जो अभी मैं आपको डिनोट करके दिखा के लगाई है। अब यहाँ डायरेक्ट हमने मीडियन निकाल के लगा देना है। किस तरह से लगाएंगे? 10.75 इस डेटा को कैलकुलेट करने लगेंगे, प्लस 0.5 डिवाइड बाय हमारे पास है ये 17 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और यहाँ लगा देंगे 30 माइनस 19, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपके पास डेटा पुट हो गया। अब एंटर करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 11.07। ठीक है, 2 डिजिट तक ही फिक्स रखें, 11.07। ये हमारे पास मीडियन का आ गया, मीडियन एवरेज। अब यहाँ मोड भी फाइंड करना है। मोड को हम डिनोट करते हैं एक्स हैट से, विच इज़ इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं H से। ठीक है, ये वाला फार्मूला था मोड का। अब पहले तो हमने मोड ग्रुप फाइंड करना है कि मोड ग्रुप कौन सा है। अक्सर हालात में क्या होता है, मोड ग्रुप वही होता है जो मीडियन ग्रुप होता है। ठीक है,
ये फाइंड करने के लिए हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कहाँ है, कहाँ है फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये हमारे पास 17, इसका मतलब जो मीडियन ग्रुप था वही हमारे पास मोड ग्रुप है। इधर कॉर्नर पे आप लिख सकते हैं ये मोड ग्रुप है, मोड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ FM कौन सी हो गई, FM ये वाली हो गई जो हमने मीडियन ग्रुप के लिए बनाई है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से कहते हैं। F1 हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली, और F2 हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाली, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों क्लियर हो गए। अब H हमारे पास ऑलरेडी है जो कि 0.5 है, मेरा आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं L, लोअर क्लास बाउंड्री वही ऊपर वाली है हमारे पास 10.75, मतलब उसी ग्रुप की, प्लस FM जो कि 17 है, माइनस F1 वो हमारे पास 12, डिवाइड बाय 17 माइनस 12 प्लस 17 माइनस 14, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय H जो कि 0.5 है, हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब यहाँ इसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए 10.75 प्लस इस माइनस एंड प्लस वाले डेटा को कैलकुलेट पहले कर लें। 17 में से 12 माइनस करें तो आपको पता है 5 होता है, 5 डिवाइड बाय, इसी तरह 17 में से 12 माइनस करेंगे 5 प्लस, और 17 में से 14 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5 ऊपर 10.75 प्लस 5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब यहाँ मोड आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 10.75 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय, ये हमारे पास 8, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आ रहा है हमारे पास 11.06, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। इसी तरह आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नगेबान।